कोरोना वायरस महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन में दी गई राहत के बाद पिछले कुछ महीनों से बंद मेट्रो सेवा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। अनलॉक 4 का ऐलान करते हुए सरकार ने 7 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो की सेवाओं को बहाल कर दिया है। इस घोषणा के बाद से ही नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। मेट्रो शुरू होने से नोएडा से दिल्ली और नोएडा से अलग अलग इलाकों में काम करने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। शुरुआत में मेट्रो को 2 शिफ्ट में चलाया जाएगा। लोग सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 9 बजे तक ही मेट्रो में सफर कर पाएंगे। ये समय सिर्फ सोमवार से शनिवार के लिए लागू रहेगा। हालांकि रविवार को मेट्रो का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 5 बजे से 9 बजे रहेगा। हालांकि लोगों को इस बार मेट्रो में सफर करने से पहले कई नियमों का पालन करना होगा, जिसमें सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को अहमियत दिया गया है। सामान और लोगों की स्क्रीनिंग के वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। अब सुरक्षाकर्मी हैंड स्कैनर को डंडे की मदद से पकड़ेंगे और फिर शरीर की जांच करेंगे। टिकट खिड़की बंद रहेगी और सिर्फ स्मार्ट कार्ड के इस्तेमाल से ही यात्री सफर कर पाएंगे। टिकट वेंडिंग मशीन और कार्ड दिखाकर खुलने वाले गेट भी हर बार सैनिटाइजर से साफ किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो का इंतजार करते वक्त भी प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग बरतनी होगी। प्लेटफॉर्म पर भी सारी जगहों पर लगातार सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म पर स्टिकर चिपकाए गए हैं, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फॉलो करना होगा। मेट्रो के अंदर भी एक सीट छोड़कर दूसरे सीट पर स्टिकर चिपका हुआ है, यानी सिर्फ स्टिकर वाले सीट्स पर ही यात्री बैठ पाएंगे। यानी मतलब साफ है कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए मेट्रो जरूर शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।